नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन कचिगांव मार्ग पिछले दो सालों से नहीं बना हो, कचिगांव के युवा नेता तनोज पटेल द्वारा समाहर्ता को की गई रजूआत। उमरगांव नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से लोग पुकार रहे हैं त्राहिमाम। वासदा के विधायक के साथ नौसारी पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर कपराड़ा में आदिवासी समाज द्वारा मामलेदार को सौंपा गया आवेदन पत्र। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के रिंगणवाड़ा से कचिगांव का मार्ग पिछले दो सालों से नहीं बनाया गया हो, जल्द से जल्द बनाने की मांग के साथ युवा नेता तनोज पटेल द्वारा समाहर्ता को की गई रजूआत। संघ प्रदेश दमण के कचिगांव के युवा नेता तनोज पटेल द्वारा नानी दमण रिंगणवाड़ा से कचिगांव का मार्ग पिछले दो सालों से रुका हुआ हो, इस मार्ग का कार्य जल्द से जल्द किया जाए ऐसी मांग दमण जिला समाहर्ता को की गई है। तनोज पटेल ने बताया कि फिलहाल स्कूलें भी शुरू हो रही है, साथ ही मार्गों पर छोटे बड़े खड्डे भी हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी मुश्किलें भुगतनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर दमण की सहेलगाह पर आते पर्यटक भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हो, साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 48 को जोड़ने वाला ये मार्ग हो, हर रोज हजारों की संख्या में आवागमन करते वाहन चालकों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हो, जल्द से जल्द इस मार्ग को बनाया जाए ऐसी मांग की गई है। आवेदन पत्र एना माटे आपवामां आव्युं त्यारे प्रशासक जी आपणा प्रफुल्लभाई पटेल ने एक आपवामां आव्युं अने कलेक्टर डॉक्टर तपस्या राजौजी ने आपवामां आव्युं। तपस्या राजौजी ने अमे मळी नथी आव्या, एमणे आ रोडनो सर्वे भी कर्यो, अमे जो आ रोड विषय चिंता व्यक्त करी। अमारा प्रमाणे रोड एक्चुअली बे वर्ष आगळ पास थई चूकेलो, पण रोडनुं बे वर्षथी काही काम थयुं नहीं मळे। तो आना कारण अटकेलू आना कारण बंद से अमने खबर नहीं मिले। हवा कोरोना काल में रोडन अवर जवर ओछी होती, हाल में हवा नाना छोकरानु स्कूल भी चालू थी गई, बीजों पर्यटक भी वधारे आवता जाता थी गया। अने गुजरात ने जोड़ता कचिगाम विस्तार थी बे रोड आए, एक मोटी दमण जरी कोसवे आए अने एक रिंगवाड़ा आए। अने पर्यटक स्थल मोटा में मोटा बे छे, एक अपना देवका बीच है अने एक जंपोर बीच है। અને દેવકા બીચ જે બી જેટલા બી આવે પર્યટક અને જે વાપીના જે લોકલ ગામડેથી જે પર્યટક આવે એ વધારે પડતો રોડનો ઉપયોગ આ રીંગાવાળા કચિગામ અમારા રોડનો ઉપયોગ કરે। મારી એક નમ્ર વિનંતી અને આવેદનપત્રમાં એ મેં કીધું કે રોડ તો બનશે અને સારો બનશે, પણ હાલ પૂરતો એક સમારકામ થાય અને આ જે ખાડા પડેલા એનું સમારકામ સારી રીતે થાય, તો જે આવતા જતા કંઈ દુર્ઘટના જે રાત્રે છૂટે એ થાકેલા હોય, થાકેલા એટલે એક વધારે પડતા થાકેલા હોય, કેમ કે એ લોકો જોબ કરીને આવે, હેલ્પર હોય, મેનેજર હોય, અલગ અલગ પોસ્ટના હોય, એ લોકો વધારે પડતા થાકેલા હોય, અને જે બીજા જે દેવકા બીચથી જે આવે પર્યટક એ મોજ મસ્તીથી અને ડ્રિંક કરેલા હોય, દાખલા તરીકે એવા ડ્રિંક કરેલા હોય, કોઈ ડ્રાઇવિંગ એમ તો બંધ છે, ડ્રાઇવિંગ ડ્રાઇવિંગ સીટ પર બેસવાનું અમારા પ્રશાસકજીએ કીધેલું કે ડ્રાઇવિંગ ડ્રિંક કરીને કરવામાં નથી આવશે, પણ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ બી સખત છે, પણ હાલમાં કોઈ એવી રીતે કરી બી કોઈ ચેક નહીં કરે। તો કોઈ ડ્રિંક કરેલા બી હોય તો કોઈ જો ડ્રાઈવર ધ્યાન ભટકી જાય તો એક બહુ મોટી દુર્ઘટના અને બહુ મોટું એક્સિડન્ટ થઈ શકે। એના કારણે જો અમને રોડનું થોડું સમારકામ થાય તો આવી દુર્ઘટનાથી બી અટકે અને ચોમાસામાં એક રાહતની સાંસ લે, એના કારણે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું અને જલ્દીથી જલ્દી આનું સમારકામ થાય એવી એક મેં વિનંતી કરવા માગું કલેક્ટર અને પ્રશાસકજીને કે રોડનું જલ્દીથી જલ્દી એક કામ થાય। उमरगांव नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से लोग पुकार रहे हैं त्राहिमाम। पिछले दो महीनों से गटर कार्य नहीं हो रहा हो, बारिश के मौसम में पूरा क्षेत्र जलमग्न होने का लोगों में सता रहा है भय। उमरगांव नगर पालिका वार्ड नंबर 4 क्षेत्र में उमरगांव नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और मंद गति की कामगिरी से नगरजन त्राहिमाम पुकार उठे हैं। बरसाती पानी के निकाल के लिए गटर का निर्माण कार्य हो रहा है। पिछले दो महीनों से महावंशी फलिया क्षेत्र में कामगिरी ऐसे ही पड़ी हुई हो,
बारिश के वक्त में समग्र क्षेत्र जलमग्न हो जाए ऐसा डर स्थानिक रहीशों में देखने को मिल रहा है। स्थानिक नगरजनों द्वारा कई बार रजूआत करने के बावजूद भी प्रशासन के कान पर उनकी वेदना नहीं पहुंची है। उमरगाम बारियावाड़ और अन्य क्षेत्रों में से बरसाती पानी महियावंशी फलिये में से ही पसार होता है। गटर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ हो समग्र क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाएगा और स्थानिक रहीशों के जान माल को भी नुकसान होने का भय सता रहा है। तो प्रजा के प्रतिनिधि चुनाव के वक्त प्रजा के साथ में रहने के वचन तो देते हैं, पर ऐसी परिस्थिति के वक्त उन्हें फोन करने के बावजूद भी वो प्रजा की मुश्किलों में सहभागी नहीं बनते होने का जानने को मिल रहा है। गटर के निर्माण कार्यों में ऐसे ही मंद गति से काम हो रहा हो स्थल पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां जिला समाहर्ता प्री मानसून कामगिरी तेज गति से पूर्ण करने के आदेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उमरगाम नगर पालिका प्रशासन, गुजराती में कहावत है कि सेठ की सिखामण जापा सुधी, ये कहवत को लेकर हम नहीं सुधरेंगे को सार्थक कर रहे हैं। अंदाजित 3000 से ज्यादा रही बारिश के वक्त इस कामगिरी के चलते मुश्किल में आ जाएंगे। राज्य में भाजपा सरकार विकास की तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो भाजपा शासित उमरगाम नगर पालिका में जन प्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के सामने स्थानिक रहीशों ने आक्रोश जताया है। પ્લસ કામરવાડ, રોહિતવાસ, કોસ્ટલ હાઈવે નું માહિયાવંશી સમાજ પૂરું આ લાઈન બધી પૂરી આમાં જોઈન્ટ કરી કે અમે ત્યાં સુધી નિકાલ કરી નશું, કે નિકાલ નથી થયો તો પાણી અહીંયા આવીને અટકી જવાનું, કે અમે ત્યાં સુધી તો કરી દો દરિયા સુધી ના પાડેલું લાઈન તો બી જબરજસ્તી થી લાઈન એ લોકો લીધી, અમે ના પાડી, અમાર નથી જોતો, અમાર પાણી નીકળી જતું છે, જબરજસ્તી થી લીધી, જબરજસ્તી આ રમણભાઈ બહુ દબાણ બી કર્યું કે અમાર લાઈન નથી જોતી, પણ આ લોકો નહીં માયના, લઈ આવ્યા લાઈન, પાછી લઈ આવ્યા તો પૂરું કરો ને, કે ગ્રાન્ટ આવી ગઈ છે, અમારા પૈસા પાસ થઈ ગયા છે, તો તમારું પૈસા પાસ થઈ ગયા, ગ્રાન્ટ આવી ગયા તો કામ ચાલુ કરવું છે ને, બે ત્રણ માણસ મજૂર લાવીને કામ કરે શું કામ થાય, 25-30 મજૂર આવ્યા તો કામ થઈ જાય અત્યારે। ये गटर इतना दिन से टूटा हुआ है, एक साल से ज्यादा हो गया, और यहाँ पे ले आकर के किसी तरह से थोड़ा सा खम्भा वगैरह डाला गया, बच्चों को गिरने की इसमें डर है, और बरसात में पूरा पानी भर जाता है और उसमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई गिर सकता है और उसका जान भी जा सकता है। हम लोग अब यही भगवान से दुआ करते हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो, नगर महापालिका जल्दी से इस काम को करे, क्योंकि कई जगह टूटा हुआ है इस तरह से, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बरसात में पानी भरने पर दिखाई भी नहीं देता है। वास्ता के विधायक अनंत पटेल के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर कपराड़ा में आदिवासी समाज द्वारा मामलतदार को सौंपा गया आवेदन पत्र। समस्त आदिवासी समाज कपराड़ा द्वारा मामलतदार को आवेदन पत्र देकर नवसारी में विधायक अनंत पटेल के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में आवेदन पत्र देकर LCBPI दीपक कोराट को सस्पेंड कर एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत गुना दर्ज करने की मांग की गई है। 31 मई के रोज नवसारी जिले के लुनसिकोई मैदान पर JB जेटको के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के हक और अधिकारी की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रजूआत करने वाले थे, पर स्थल पर एक LCB के PI दीपक कोराट ने चिखली वास्ता के आदिवासी विधायक अनंत पटेल, जो आदिवासी समाज के हरेक प्रश्नों को आकर वाचा देते हो, उसी के अनुसंधान में आयोजन पूर्वक गले के हिस्से में हाथ की कोहनी को दबाने का प्रयास किया गया हो, जिसके लिए आदिवासी समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है, आदिवासी समाज में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, साथ ही जेटको के कर्मचारियों और पत्रकारों के साथ भी गैर बर्ताव किया गया हो, इस कृत्य करने वाले LCB के PI दीपक कोराट को तुरंत असर से सस्पेंड कर एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत गुना दर्ज कर गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाए, ऐसी समग्र आदिवासी समाज की मांग है। કપરાડા તાલુકો સમસ્ત આદિવાસી સમાજ વતી હું કહેવા માગુ છું કે ગઈકાલ તારીખ 31/5/2022 રોજે નવસારી ખાતે જે JBના કર્મચારીના કોઈ પગારના કારણે કોઈ રજૂઆત હતી, તે રજૂઆત સમય દરમિયાન
आदिवासी ना जे नेता अनंत साहेब नी साथे जे एलसीबी ना जे कर्मचारी घर्षण करी उते बाबते आज अमे मामलतदार कचेरी मामलतदार साहेब ने आवेदनपत्र आपीए छीए। आ बाबते समग्र आदिवासी समाज खूबज नाराज छे अने समय आवता कदाच अमराथी वधु ने वधु आ माटे आंदोलन करवा जरूर पड़शे। आज जे मामलतदार खाते अमे जे समस्त आदिवासी समाज द्वारा आवेदन आपवामां आव्युं छे जेनी अंदर 31/5/2022 रोज जयरे चिखली नवसारी जिल्लाना जे जीबी जेटको कंपनी में जे कर्मचारी काम करता था जेना पगारना मुद्दे जे मांग थी एमने एमना विरोध में जे शांतिपूर्ण जे लोग रजूआत करवामां आवी हती वांसदाना धारासभ्य अनंत साहेब जेमनी वच्चे एलसीबी ना पीआई दीपक कोराटा साहेब अने एमने स्टाफ मित्रों जोड़े जे घर्षण करवामां आवी रह्युं हतुं त्यारे जे डिटेन करती वक्त अनंत साहेब ने जे गला में जे कोणी वड़े दबावानो प्रयत्न करी रह्या छे जेना विरोध में एमने कायदाना अधीन एट्रोसिटी दाखल करे अने नौकरी परथी सस्पेंड करे एवी समस्त समाज वती अमारी मांग छे। अने आवनारा दिवसमां जो आवा अमारा गरीब अने आदिवासी समाज तेमज समाजना कार्यकर्ता उपर जे ते प्रतिनिधिओ आना उपर कंईक दबावानी कोशिश करशे तो आवनारा दिवसमां आक्रोश रेलीओ करवा माटे अमे तैयार रहेशुं। नवसारी रैली में वास्ता के विधायक और पुलिस के बीच घर्षण के बाद आदिवासी समाज में फैली नाराजगी नवसारी पुलिस के विरोध में धर्मपुर में निकाली गई थी जन आक्रोश रैली। नवसारी में 31 मई के रोज रैली में हुए घर्षण के बाद समग्र आदिवासी समाज में नाराजगी फैली हुई है जिसको लेके बुधवार को नवसारी पुलिस के विरोध में जन आक्रोश रैली धर्मपुर में निकाली गई थी जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज एकत्रित हुआ था। जेटको के कर्मचारियों के साथ वांसदा के विधायक अनंत पटेल और आदिवासी समाज के अग्रणी नवसारी में रैली आयोजित करने वाले थे जो कि रैली आयोजित हो उससे पहले ही नवसारी पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था और हिरासत में लेते वक्त पुलिस और आदिवासी समाज के अग्रणी और जेटको के कर्मचारियों और वांसदा के विधायक अनंत पटेल के बीच घर्षण हुआ था जिसमें अनंत पटेल के गले में दबाकर पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर गैर बर्ताव किया था। साथ साथ पुलिस ने अन्य अग्रणियों के साथ भी गैर बर्ताव किया था जिसके चलते आदिवासी समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए बुधवार के रोज नवसारी पुलिस के एलसीबी पीआई के विरोध में धर्मपुर में सूत्रोच्चार कर पुलिस कर्मी को सस्पेंड करने की मांग के साथ आदिवासी समाज द्वारा रैली निकाली गई थी और मामलतदार को आवेदन पत्र भी सौंपा गया था। गई काले जेटको आउटसोर्सिंग कर्मचारी हक और अधिकार की मांग मैं अमे रजूआत करने शांतिपूर्ण जाना परंतु एक कोराट नाम अधिकारी एलसीबी पीआई आए और वांसदा ने चिखली आदिवासी धारासभ्य गला पर हाथ नाखे से अमारे अधिकारी ने पूछू से कि तुम धारासभ्य गला पर हाथ नहीं नाखो संपूर्ण आदिवासी समाज गला पर हाथ नाखो से आदिवासी समाज ए कोई दिवस साखी नहीं लई अने आपना माध्यम से हूँ एमने जणावा मांगू छू कि तारा में ताकत हो तो मार पांचमी अनुसूचित विस्तार में आने बताव तने आदिवासी और पागड़ी की ताकत अमे बताशू तू शू तारी ताकत बतावे अमरा विस्तार में तू अमारी परमिशन वगर आओ तने अमे अमारी ताकत बताशू। अने बीजी एक मीडिया मित्रों ने मारी विनंती है कि जे एक रीढ़ा गुनेगार हो रीतना तमाम कर्मचारी ने शर्ट पकड़ी पकड़ी ने खेचता मीडिया कर्मचारी ने भी धक्को मारता तो आ के अंश योग्य कहवाई आना समय में तमाम जेटको कर्मचारी साथ आदिवासी समाज अग्रणी साथ चर्चा कर आज 16-17 जगह आखा गुजरात में आवेदन पत्र आपू से आना समय में एना पर तात्कालिक कार्यवाही नहीं कर तो 17-17 जिला तालुकाना आगे भेगा थी और नवसारी जिले में कार्यक्रम करीशू एनी नोंध ली। गई काले नवसारी अंदर जे जेटको आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रश्न हो प्रश्न ने वाचा अपने अपना विस्तार धारासभ्य श्री अनंत भाई पटेल अन्य आगे गया था हमें ये शांतिपूर्ण रीते कार्यक्रम पैदो है मीडिया ने उद्बोधन करती वक्त अचानक पुलिस धसी आए थे अनंत भाई कोई मोटा वॉन्टेड गुनेगार ए रीते एमनी साथ व्यवहार कर अनंत भाई पर जे नवसारी एलसीबी पीआई दीपक कोराट एमने एवो प्रयास कर्यो कि जाने अनंत भाई मर्डर कर नाखवानो हो ए प्रयास ने आदिवासी समाज कोईपण संजोगों में साखी ले नहीं गामे गाम
जिले जिले तालुके तालुके रोज प्रगटो छे। वलसाड में कानूनी माप विज्ञान और ग्राहक सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा जांच शुरू कर मई महीने में 6,445 एकमों में से 382 में पाई गई गैर रीति 3.7 लाख का दिया गया दंड। वलसाड़ जिले में कानूनी माप विज्ञान और ग्राहक सुरक्षा अधिकारी की टीम ने ग्राहकों को लूटते दुकानदारों व्यापारियों और होटल संचालकों के सामने जांच अभियान शुरू करते ही फफड़ाहट फैल गया था। महत्तम दाम से ज्यादा दाम वसूलते दुकानदार व्यापारीगण और मेनू कार्ड में वस्तु के वजन माप और संख्या न दर्शाते वलसाड की खोरियाड होटल कृष्णा होटल गज्जूबाई रेस्टोरेंट और पुरोहित ढाबा के सामने भी कार्यवाही की गई थी। मई महीने में जिले में कुल 6,445 एकम की जांच करते 382 में गैर रीति दिखते ही कुल रुपये 3.7 लाख के दंड की वसूलात की कार्यवाही की गई थी। वलसाड़ जिले में उत्पादकों और पैकर द्वारा दर्शाई गई महत्तम बिक्री की दाम जिससे ज्यादा अलग अलग वस्तुओं पर ज्यादा दाम लेने के बदले मददनीश नियंत्रक कानूनी माप विज्ञान और ग्राहक सुरक्षा अधिकारी की कचेरी द्वारा 6,445 एकमों में जांच शुरू की गई थी, जिसमें 382 एकमों के सामने विविध कानून और नियमों के भंग के बदले कार्यवाही कर रुपए 3,70,850 का दंड वसूल किया गया था। इसके अलावा 23 जितने एकमों के सामने भी कार्यवाही की गई थी। मई 2022 के दौरान हाईवे पर होटलों की जांच करते पुरोहित ढाबा होटल पारनेरा वलसाड गज्जूबाई रेस्टोरेंट वलसाड खोरियार होटल अब्रामा वलसाड और होटल कृष्णा अटकपाड़ी वलसाड में जांच शुरू की गई थी, जिसमें होटल के मेनू कार्ड में वस्तु का वजन माप और जत्था दर्शाया नहीं गया था। इसी के साथ तिथल मार्ग पर आई हुई गोवा ड्राई फ्रूट सेंटर सिविल मार्ग पर मधुर बेकरी और फरसाण में गैर रीति दिखते ही कार्यवाही शुरू की गई थी। व्यापारी एकमों को उनके कांटा वजनों इलेक्ट्रॉनिक स्केल रिपेयरिंग कानूनी माप विज्ञान विभाग के मान्य दुरस्तीकारों के पास से लाइसेंस के नंबर 7 का पक्का बिल लेकर आने के लिए, साथ ही इस विभाग के लाइसेंस के बगैर व्यक्तियों के पास नहीं कराए जैसी सूचना कानूनी माप ग्राहक सुरक्षा कचेरी पर बताई गई थी। वलसाड बीएपीएस द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव अंतर्गत निकाली गई थी भव्य व्यसन मुक्ति रैली, लोगों को व्यसन से दूर रहने के लिए किया गया जागरूक। वलसाड शहर में बीएपीएस द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव अंतर्गत मुख्य मार्ग पर व्यसन मुक्ति अभियान अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया था। रैली में तमाकू सिगरेट बीड़ी शराब जैसे व्यसनों से होती बीमारियां और उनसे दूर रहकर उपायों को बताकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बीएपीएस के बच्चों ने शहर के लोगों को व्यसन से दूर रहने की अपील की गई थी। साथ ही अलग अलग नाटकों के जरिए बच्चों ने व्यसनों से होती नुकसानी के बारे में भी जागरूकता लाने का प्रयास किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने भी बच्चों द्वारा किए गए व्यसन मुक्ति के इस संदेश को सराहा था। संप्रदेश दादरा नगर हवेली के बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में विराट व्यसन मुक्ति अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए निकाली गई थी विराट शोभा यात्रा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में विराट व्यसन मुक्ति अभियान संदर्भ में सिलवासा पुरानी स्वामीनारायण मंदिर से लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो पूरे शहर में घूमकर वापस स्वामीनारायण मंदिर पर पहुंची थी, जिसमें विविध पोस्टरों द्वारा लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेशा दिया गया था। ये शोभा यात्रा में संतजन युवाजन बच्चे एवं महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन कचिगांव मार्ग पिछले 2 सालों से नहीं बना हो, कचिगांव के युवा नेता तनोज पटेल द्वारा समाहर्ता को की गई रजूआत।
जलगांव नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से लोग पुकार रहे हैं त्राही मांग। वासना के विधायक के साथ नौसारी पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर कपराड़ा में आदिवासी समाज द्वारा मामलेदार को सौंपा गया आवेदन पत्र। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।